बड़ी खबर है रीवा से, जहां रीवा मां एक पति के द्वारा अपने अपहरण के साजिश रची गए और साथ में अपनी पत्नी से मांगी गए फिरौती के 25,000 के राशि। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल मां हम करें तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह बेहद बड़ी खबर के, जो मां अपना पंचन बताई दी कि रीवा के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले एक युवक के द्वारा अपने अपहरण के साजिश रच के मोबाइल के मैसेज के माध्यम से अपनी पत्नी से 25,000 रुपये के फिरौती के रकम मांगी गई। जिसके बाद घटना के जानकारी पत्नी द्वारा जमा थाना में दर्ज कराई गई। तब साइबर सेल की मदद से पुलिस के टीम के द्वारा आरोपी का सतना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। बतावा यह जानलाग है कि लोगों से उधार लेके मानसिक तनाव में आवे के कारण युवक के द्वारा खुद के अपहरण की साजिश रची गई। अपना बजट बताया दी कि घर से रुपया लेके निकला युवक बुधवार के रात जो है रहस्यमय ढंग से लापता हुई गया। प्रजनन के होश वो समय उड़ गए जब उनके मोबाइल में फिरौती के संदेश आबा, जौने में युवक के अपहरण के सलगी जानकारी दीन गए। सूचना मिलते तत्काल पुलिस सक्रिय हुई गए। साइबर सेल की मदद से पुलिस के द्वारा उनका जो है रेलवे स्टेशन के पास से बरामद कर लिया गया। बतावा कि राजा राम पटेल उम्र 35 वर्ष निवासी खमरिया थाना परमार बुधवार का घर से कुछ रुपया लेके निकला रहा, जोड़े के बाद वहां से लापता हो गया रहा। परिजन जो है लगातार फोन लगावर रहे लेकिन उनका मोबाइल फोन बंदावर रहा। रात करीब 8 बजे युवक के पत्नी के जो है मोबाइल पर मैसेज आवा, जोने में युवक के अपहरण हो की जानकारी दी गई रही और छोड़े के एवज में फिरौती के 25,000 रुपया मांगे गए रहे। यह संदेश देख के परिजनों के होश उड़ गए। उनके द्वारा तत्काल घटना की सूचना जवा थाना में दी गए। मामला संज्ञान मौते पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के द्वारा जो है तत्काल साइबर सेल के मदद से युवक के लोकेशन ट्रेस करावा गा और निर्देश दीन गए। जौने मा युवक सतना लोकेशन दिखाई, जौने के बाद रीवा पुलिस के द्वारा सतना पुलिस के मदद से युवक का सतना रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया गया। ओके पास से वह मोबाइल मिला, जौने से वह मैसेज करे रहा युवक का। जब पूछताछ की गए और रीवा ले आवागा, परिजनन के मुताबिक उनका दिमागी हालात सही नहीं आए, ये वजह से तरह या तरह के सूचना दे के पुलिस का गुमराह कर रहे। पुलिस फिलहाल घटना के जांच कर रही है। अपना बजट बताया दी कि परिजनन के मानिता अपन जान पहचान वालन से तकरीबन लाखन रुपया वो जो है उधार ले चुका है, उधारी चुकता नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते काफी समय से मानसिक तनाव में है। एक पहले वो बाहर काम करे गा रहा लेकिन लॉकडाउन के वजह से वापस आ गया रहा। पिछले कई एक दिनों से मानसिक तनाव से मर रहा लेकिन अपन समस्या केहू को बताई नहीं और परिजनन के द्वारा जो है रुपया ऐठे खातिर ओके द्वारा युवक के द्वारा अपने अपहरण के झूठी कहानी रची गए और फिरौती खातिर घर वाले के फोरमा मैसेज भेजेगा। तो यह पूरा मामला जो है बेहद एक कहा जाए संदिग्ध है। वो एक पति के द्वारा अपने पत्नी से रुपया ऐठे खातिर अपने अपहरण के झूठी साजिश रची गए, जो सीधे तौर पर समझे लायक बात ही कि सोची आज का दौर हो गया है का लोग विलासिता और अपने अयासी के पैसन का जो है एक तो उड़ावत है और दूसर जब वो पैसा नहीं चुका पा मैं वो विलासिता के पैसा का तब फे यह में झूठी अपहरण के साजिश रचे थे। तो सुने पुलिस अधीक्षक रीवा राकेश सिंह के पूरा बयान। आपन अपने परिवार के रखे बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। राजा राम सिंह है, कहाँ से हो? मैं खमारिया से हूँ। तुम्हें किसी ने किडनैप किया था क्या? नहीं, किडनैप नहीं किया, तो मैंने खुद ही कहानी बनाई थी। मैसेज किसके द्वारा किया गया मोबाइल पे कल? मैसेज मेरे द्वारा ही किया गया था। अभी घर जाना चाहते हो स्वेच्छा से? हाँ, अभी घर जाना चाहते हैं स्वेच्छा से, घर के बाद काम पे जाएंगे। ठीक, और कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, और कोई दिक्कत परेशानी। ठीक, ये कल जवा थाने को करीब 8 बजे के बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है राजाराम पटेल, उम्र 35 साल है, रहने वाले खमरिया गांव का है जो पनवार थाना क्षेत्र में लगता है। और ये कल जानकारी मिली थी, कल सुबह 10 बजे से घर से निकला हुआ था, घर वालों का कहना था कि साथ कुछ पैसे लिए हुए हैं और घर से गया हुआ है। बाद में करीब अपहृत के मोबाइल से एक जो जिसके बारे में बताया जा रहा था, सूचना जो मिली कि उसका एक मैसेज आया उसकी पत्नी के मोबाइल पे कि 25,000 रुपये दो, उसके बाद फिर आपके बंदे को आप तक पहुँचा दिया जाएगा।
सूचना थोड़ा सा संदेहास्पद लगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर साइबर सेल रीवा की टीम के द्वारा सब पतासाजी कराई गई। इसके बाद पतासाजी के दौरान जब उसका फोन चालू होता है 9 बजे के आसपास, तो पुलिस को जानकारी लगती है कि उसका लोकेशन सतना रेलवे स्टेशन के आसपास है। साइबर सेल की मदद से, उसके कुछ रिश्तेदारों की मदद से जो सतना में ही रहते थे, 9 समथिंग पे उसको रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, पूछताछ की गई, जानकारी ली कि वही अपनी एक ऐसी कहानी बना के घर परिवार के लोगों को परेशान कर रहा था। और ये भी जानकारी लगी है कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। पुलिस ने पूरा टाइम जब से उसकी सूचना आई, उसके लगातार पूरा रीवा जिले की पुलिस, सतना जिले की पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा और उसको पतासाजी करने का प्रयास किया गया। क्योंकि हम लोग इसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं कि अपहरण की कोई घटना है, लोग यहाँ छोटी छोटी बातों में, पैसे के लेन देन के मामले में घर से चले जाते हैं और फिर उसके बाद परिवार के लोग अपहरण की सूचना लिखा देते हैं, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के चले जाते हैं और फिर दूसरा परिवार अपहरण की सूचना लिखा देता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आप लोगों के संज्ञान में भी आई होंगी। उसमें पुलिस को निश्चित रूप से अपने सारे काम छोड़ के, जरूरी काम छोड़ के उस काम में लगना पड़ता है। अतः रीवा की जनता से पुनः अनुरोध है कि संबंध में ध्यान दें और इस तरह की किसी सूचनाओं को प्रसारित ना करें, गलतियां ना करें। धन्यवाद।